ये सामने पौधा देख रहे हो ना, इसका नाम है ब्रायोफाइलम, पत्थर चटा। इसमें फूल भी निकलते हैं। जो ब्रायोफाइलम है ये एक ऐसा पौधा है, ये बिगनर्स हो चाहे एक्सपर्ट्स हो, कोई भी हो, उन सबका ये फेवरेट प्लांट है। ऐसा क्यों? अगर कहीं से भी आपको इसका एक पत्ता मिल जाता है तो उस पत्ते को आप लेके आ जाओ और उसको ऐसे ही अपने सॉइल के पास ऐसे ही रख दो। गाड़ने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर बस हल्की हल्की सी मिट्टी की एक लेयर बना दीजिए और फिर उसके बाद आप जो जादू देखोगे ना, फिर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे हमारे कितने सारे प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। जो ये ब्रायोफाइलम का पौधा है ना, ये सिर्फ मतलब जो पथरी हो जाती है, जैसे स्टोन हो जाते हैं या जैसे किसी को लूज मोशन हो जाते हैं या जैसे किसी को डायबिटीज हो गई है और पता नहीं कितनी कितनी बीमारियों का इलाज करता है ये एक पौधा। तो इसके पत्तों को जब भी कहीं भी मतलब कहीं से भी देखिए, अगर कटिंग नहीं मिल रही है ना, पत्ता तोड़ लीजिए। इसका एक पत्ता तोड़ोगे आप तो ये इसको हम मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पत्ते से पता नहीं हजार पौधे बन सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा स्पेस है, कम स्पेस है, दो तीन घंटे की धूप आती है तो इस पौधे को आप ले सकते हैं अपनी बालकनी के लिए। परफेक्ट प्लांट है ये। और देखिए आपको मैं इसका एक डेमो दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही लगाया था। छोटे छोटे और देखिए मैंने और भी जगह, देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको ऐसे ही देखिए फेंका हुआ है इस पत्ते को जानबूझ के। तो जो ये ब्रायोफाइलम जो हमारा पत्थर चटा का जो पौधा है ये इतना अच्छा है ना, हवा को तो शुद्ध करता है ये, साथ में बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज करता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो ऐसा माना जाता है कि इसके पत्तों को तोड़िए और उसको उबाल के पीना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर किसी को पथरी हो गई, रसौली हो गई ना, जो मतलब फीमेल्स में आम प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है एक तरीके से, तो ऐसे कहते हैं आयुर्वेद कि इसके पत्तों को लीजिए, पीसिए, पीसने के बाद काढ़ा बनाइए और उस काढ़े को मोटा मोटा जो गाढ़ा गाढ़ा जो काढ़ा होता है उसको पीना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे में ये जो पत्थर चटा का पौधा है ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है हमारे घर के अंदर। तो इसको अगर आपने नहीं खरीदा है आज ही खरीद लेना। जो इसका प्राइस है वो आपको 10 से 30 रुपए के बीच में आपको ये पौधा मिल जाएगा। और मैं तो आपको ये बोलूंगी कहीं भी आपको ये पौधा दिखाई दे इसका पत्ता तोड़ के ले आओ दोस्तों, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और इसको अपने घर के अंदर जगह दीजिए और अच्छे से सरवाइव कर जाता है। आउटडोर प्लांट है, कुछ नर्सरी वाले इसको इंडोर कह के बेचते हैं। तो देखिए ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ये घर के अंदर बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा, इसको सनलाइट चाहिए कम से कम 2 घंटे की। तो ऐसे में मैं आपको बोलूंगी कि अपने पत्थर चटा के पौधे को कम से कम 2 घंटे की सनलाइट जरूर दीजिए। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए।